सो है व्हाट्सअप पब्लिक, कैसे हैं आप सभी। सो एक और थोड़ा सा लंबा वीडियो आ चुका है और इसमें मतलब फुल फ्लेज्ड वीडियो होने वाला है बेसिकली ये भी। और इस वीडियो में आप लोगों को पता चलने वाला है फ्लाइंग इफेक्ट ए टू जेड चीज, फ्लाइंग इफेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे उसको शूट क्या करना पड़ता है, क्या क्या चीज़ उसमें लगते हैं, ए टू जेड चीज आप लोगों को पता चलने वाला है फ्लाइंग सीन के ऊपर। अगर आप कोई सुपर हीरो वाला सीन क्रिएट करना चाहते हैं जो कि मतलब जैसे मान लो कोई सुपर हीरो आसमान में उड़ रहा है, जैसे कि आप लोग देखे होंगे क्रिस, इंडियन सुपर हीरो क्रिस देखे होंगे, बालवीर में देखा होगा, तो मतलब काफ़ी सारा ऐसा सीरियल्स मूवीज हैं जिसमें कि आप लोगों को सुपर हीरो का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले बेसिकली उड़ने वाला जो मतलब काम कैसे करता है, आपको उड़ाना हो किसी भी कैरेक्टर को ए टू जेड चीज़ आप लोग को पता चलने वाला है। वीडियो पूरा एंड तक देखते रहो, इसलिए मैंने इसे फुल फ्लेज्ड वीडियो कहा है। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। अब मैंने बताया ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, अगर आपको फ्लाइंग सीन क्रिएट करना है तो इसमें सबसे पहले तो आपको प्रैक्टिस की भी ज़रूरत पड़ेगी। मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या लगने वाला है। सबसे पहला चीज़ आप लोग को पहले जहाँ पे आपको मेन कैरेक्टर शूट करना है वो तो हो ही जाएगा, सारा चीज़ जो भी है आपको उसी। और अगर आपको सेकेंड चीज़ जो आसमान में उड़ते रहता है, उड़ते उड़ते अगर आपको दिखाना है उड़ने वाला सीन, उसके लिए आपको एक ग्रीन स्क्रीन की ज़रूरत पड़ने वाली है। ग्रीन स्क्रीन आपको यूज़ करना पड़ेगा। आप ग्रीन स्क्रीन को इंडोर में भी यूज़ कर सकते हो, आउटडोर में भी यूज़ कर सकते हो, उस टॉपिक पे भी मैं आऊँगा। इसमें इक्विपमेंट्स बस इतने ही चाहिए, मतलब इसमें ग्रीन स्क्रीन ही एक चाहिए और बाकी सब हम लोग एडिटिंग में तो देख ही लेंगे। चलो चलते हैं इसके शूटिंग वाले पार्ट पे, इसको शूट कैसे करना है। सो शूट कैसे करना है, शूट मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला सीन जहाँ पे आप लोगों को आपका सुपर हीरो उड़ने वाला होना चाहिए, ये सीन तो आप नॉर्मली शूट कर सकते हो। आपको सिंपली क्या करना है, आपको जहाँ पे जो भी आपका सीन है उसको आप मतलब स्टेबल रखना, ट्राइपॉड पे रखो कैमरा, और उसके बाद आपके सुपर हीरो जो भी हो कैरेक्टर उसको बोलो जंप मारने के लिए, मतलब ऐसा एक्ट करने के लिए कि वो उड़ने के लिए रेडी है, और जैसे ऊपर जंप मारते हो ऐसा करने के लिए सिंपल जंप मारेगा, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट शॉट आपका उड़ने वाला। सेकंड शॉट आप क्या कर सकते हो, एक आसमान का पिक्चर क्लिक कर सकते हो या फिर वीडियो क्लिक कर सकते हो जहाँ पे आप लोगों को दिखाना है। ये हो गया सेकंड शॉट, वो हम उड़ा देंगे, कैसे उड़ाना है वो आपको आगे पता चलने वाला, ठीक है। थर्ड शॉट जिसमें कि हम लोग ग्रीन स्क्रीन को थोड़ा सेटअप करेंगे, ठीक है। ग्रीन स्क्रीन मैं आपको सेटअप करके दिखाता हूँ, मतलब काफ़ी सिंपल, उतना भी कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। ये चीज़ें आप इंडोर या फिर आउटडोर दोनों जगह पे कर सकते हो। इंडोर करोगे उसका अपना अलग फ़ायदा, आउटडोर करने का अपना क्या बोलते हैं उसको, देखो इंडोर करते हो तो आपको मतलब ऐसा रहता है कि आपका जो आपके पास टाइम यहाँ पे अनलिमिटेड है कि आपके पास, क्योंकि लाइट का कंट्रोल आपके हाथ में, लाइट आपको दो लगाना पड़ेगा सॉफ्ट बॉक्स अगर इंडोर करते हो तो, और लाइट का कंट्रोल आपके पास में है। और अगर आप आउटडोर में करते हो तो उसमें क्या रहता है कि आपके पास लाइट का कंट्रोल नहीं है, लेकिन लाइट वहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है। तो आपके पास अगर लाइट का यहाँ पर कमी पड़ रहा है तो आप आउटडोर करो, और बेटर टाइम आप लोगों को पता है सनसेट या फिर सनराइज के टाइम करना है ताकि लाइट अपने आप सॉफ्ट। और ग्रीन स्क्रीन को कुछ इस तरह से फिक्स कर लेना, और जैसे कि आपका कैरेक्टर हवा में से तैरना चाहिए ना, तो उसी पोजीशन में आप लोगों को आपके कैरेक्टर को ग्रीन स्क्रीन पे सेट करना है, बैठाना है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, किस तरह से मैंने किया हुआ। आप अगर आपका कोई मान लो सुपर हीरो कोई कॉस्ट्यूम हो जिसमें कि पीछे एक निकला रहता है ना वो वाला, अगर वो कॉस्ट्यूम हो तो उसमें आप धागा बांध के उसको हाथ कोई दूसरा आदमी को बोलोगे उसको उड़ाने के लिए, ऐसे करने के लिए, या फिर आपके कैरेक्टर को ऐसा दिखाना है कि हवा के वजह से उसका बाल ऐसे उड़ रहा है, तो वहाँ पे आप फैन का यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैंने आप लोगों को सीन में दिखाया, आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो। आप मतलब एक एक डिटेल पे काम कर सकते हो, आपको जो जो ऐसा ज्यादा चीज़ लगता है वो सब चीज़ कर सकते हो। ये हो गया ग्रीन स्क्रीन पे। ग्रीन स्क्रीन पे ऐसा करते हुए दो शॉट आप लोगों को लेना, एक सिंपल आपको ऐसे सामने ऐसे ऐसे उड़ते हुए, और एक फेस वाला, दो शॉट ले लो। और इस तरह से ये वाला शूट कंप्लीट हो जाएगा, ये वाला। और लास्ट शॉट इसका आता है लैंडिंग वाला शॉट। लैंडिंग के लिए आप सिंपली क्या कर सकते हो, आपका जो बैकग्राउंड हो जहाँ पे आपको लैंड करवाना है वहाँ पे आपको सिर्फ लैंड वाले पोज में खड़े रहना, वो अपने आप आगे हम एडिटिंग में संभालेंगे। और सब चीज़ में एक कॉमन बात ये रखना कि जहाँ पे भी आप शूट करो उसका एक खाली बैकग्राउंड रखना, खाली बैकग्राउंड रखोगे तो ईजी रहेगा हमें एडिटिंग करने में आगे, ठीक है। चलो इसके बाद हम चलते हैं एडिटिंग वाले पार्ट पे, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफ़ी मतलब इसी में तो जान आने वाला है कैसे एडिट करना है, ए टू जेड चीज़ आप लोग को पता चलने वाला है। चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ। अब देखो इतनी लंबी एडिटिंग है तो हम अपने सिंपल सी बात है, इसको हम एडिट करेंगे अपने फेवरेट एप्लीकेशन काइन मास्टर पे। सिंपल आपको ओपन कर लेना, अगर आपके पास नहीं है प्रो वाला तो आप इंस्टाग्राम पे आ सकते हो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। चलो आगे मैं आपको बताता हूँ। सिंपल क्रिएट न्यू जाएंगे और 16:9 अपना जो जो वीडियो है आप पहले सेलेक्ट करो, और उसमें जो जो एडिट होने वाला है उसको पहले छांट लो, नहीं तो बाद में और भी मतलब
खोजने में ही प्रॉब्लम हो जाएगा। सबसे पहले मैं खोजता हूँ मेरा कौन सा वीडियो यूज़ होने वाला है इसमें, मैं वहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ पहले। तो ये कुछ वीडियोज़ है जिनको कि मुझे एडिट करना है। चलो अब एडिटिंग सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं उड़ाना, किसको उड़ाना कैसे। देखो ये जो नॉर्मल बंदा है पहले इसको हम उड़ाते हैं, उसके बाद आगे हम आसमान पे जाएंगे, ठीक है। ग्रीन स्क्रीन वाला पार्ट इसके बाद करते हैं। सबसे पहले इसको उड़ाने की कोशिश करते हैं। कैसे उड़ाना है इसको, उड़ाने के लिए मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊँ। सबसे पहले आप जाओ, देखो ये हाइएस्ट जंप कहाँ पर कर रहा है, हाइएस्ट जंप होना चाहिए। सबसे पहले इसको जूम करता हूँ टाइमलाइन को मैं, और इसको देखना हाइएस्ट जूम कहाँ पर हो रहा है। देखो ये गया, ये गया, ये गया, यहाँ पे गया, और थोड़ा देर के लिए ये हवा में, थोड़ा देर के लिए देखना, और एक सेकंड और के लिए ये हवा में, और इसके बाद और भी है क्या, नहीं। इसके बाद से क्या होता है कि नीचे गिर जाता है ग्रेविटी के कारण, ऑब्वियसली गिरेगा ही नीचे। तो इसके बाद देखते हैं, तो हाईएस्ट जंप देखा जाए तो ये है हाईएस्ट जंप, ठीक है। ये है नीचे ज़मीन पे था और ये इतना हाईएस्ट जंप है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक कट लगाएंगे, ठीक, सिंपल। इस पर सिंपल इस पर क्लिक करो, कैंची पे जाओ और स्प्लिट एज प्लेहेड कर दो, ठीक है। ये इतना हो गया, और इसके बाद हम जाएंगे एकदम जैसे कि मैंने बताया, खाली बैकग्राउंड आपको रखना पड़ेगा। तो इसको हटाओ, इसको खाली बैकग्राउंड पे ले जाओ, बस इतना काम करना था आपको। खाली बैकग्राउंड पे आप चले जाओ, देखो यहाँ पे आपको खाली बैकग्राउंड देखने को मिलेगा, मैंने खाली बैकग्राउंड रखा हुआ था। तो आपको भी ऐसे खाली बैकग्राउंड रखना पड़ता है, ठीक है। तो खाली बैकग्राउंड ये हो गया, और अब अगर आप वीडियो को प्ले करोगे तो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। देखो प्ले करता हूँ, देखो ये क्या हुआ कि थोड़ी देर था और इसके अचानक से गायब हो गया, ये ऐसे चला, ठीक है। तो चलो इसके लास्ट पे हम चलते हैं, और ये जो हाईएस्ट जंप मार रहा है, हाईएस्ट जमीन से हाईएस्ट कितना ऊंचाई पे जा सकता है, उसका एक स्क्रीनशॉट मारते हैं। ये देखो ये, और इसको हम क्लिक कैच मतलब कैप्चर एंड प्लेट करते हैं, सिंपल इसको डिलीट मारते हैं, कट मारते हैं। इसके बाद आपको सिंपली एक एप्लीकेशन और चाहिए इसके लिए, इरेजर जिसका कि नाम है। अब इसको आप गूगल से भी कर सकते हो, इरेज बैकग्राउंड करना है, और लोड ऑफ फोटो पे करो, लेकिन मैं यहाँ पे मैन्युअली करने वाला हूँ ताकि गड़बड़ी ना हो ज़्यादा। और यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, इसको क्रॉप नहीं करना, डन करना है सिंपल, और इसको आप ध्यान से इसको रिमूव कर लो, ठीक है। ऐसे आप रफली भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसको बहुत कम टाइम के लिए रहने वाला है। तो चलो इसको मैं अब करता हूँ इसको रिमूव। मैंने यहाँ पर फास्ट में रिमूव कर लिया हूँ, और इसको सेव करते हैं, ठीक है। तो ये होगा फर्स्ट पीएनजी हमारा सेव, और यह हो गया सेव। और फिर से हम चलते हैं काइन मास्टर पे, सिंपल किधर गया ये रहा। और इस पीएनजी जो कि अभी हमने बनाया, उसको हम यहाँ पे करेंगे इंपोर्ट। इसके लास्ट पे चलते हैं और यहाँ से करते हैं इसको इम्पोर्ट। ये गया मीडिया और इरेजर पे, इसको जाके करते हैं इम्पोर्ट। और इसको फुल स्क्रीन नहीं करना, मतलब ऐसे नहीं करना, इसे फुल स्क्रीन नहीं करना, यहाँ हाथ से करना, वहाँ से करोगे क्योंकि हमको इसको आगे एनिमेट भी करना रहेगा ना। तो देखो यहाँ पे देख लो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये यहाँ पे हाईएस्ट जितना जंप पे है, हाईएस्ट जंप पे दोनों मैच होना चाहिए थे। देखो हाईएस्ट जंप पे दोनों मैच हो रहा है, देख सकते हो, ये है हाईएस्ट जंप पे। और यहाँ से आपको मारना है एक कट, सिंपल यहाँ से, ताकि मतलब एकदम साइड से इसको कट मार लेना। नीचे वाला जो इसको कट मारना इसके हाईएस्ट एंड पॉइंट से, और इसको थोड़ा आगे बढ़ा देना। चलो अब मैं आपको बताता हूँ क्या करना है, सिंपल आपका जितना दूर बैकग्राउंड उतना दूर इसको भी कट मार लो पहले। और यहाँ से देखो क्या करना है, इस चाबी पे जाना है, इस पहले इस पीएनजी पे क्लिक करो, हम इसकी बात करें पीएनजी, ठीक है। इस पर क्लिक करो और इसको इस चाबी पर क्लिक करो, और प्लस यहाँ पर हो ही जाएगा अपने आप। एंड में जाओ, फिर से प्लस करो, और इसको फ्रेम से बाहर कर दो, ठीक है। फ्रेम से बस छोटा नहीं करना है, छोटा गलती से हो गया, इसको हम कर देंगे बाहर, ठीक है, इतना करना है। और अब देखो क्या होगा, अभी मैंने पूरा नहीं कंप्लीट नहीं किया, अब देखो ध्यान से बस होता क्या है। ये देखो मैं आवाज़ करता हूँ कम, और प्ले करते हैं। ये ध्यान से देखा आपने, ये क्या होने लगा, ग्रेविटी यहाँ पे कहाँ गया, मतलब मैं कहने का मतलब यहाँ देखो उड़ने लगा। हाँ फेक लग रहा है, बट अभी उड़ने लगा, उतना ही काफ़ी है, उड़ने लगा। और देखो इसको आप इसको मतलब रियल दिखाने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको इसका स्पीड फास्ट करेंगे। स्पीड फास्ट जब तक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। तो इसको कम टाइम के लिए एनिमेट करेंगे, कम टाइम में एनिमेट होगा यानी कि फास्ट एनिमेट होगा, फास्ट एनिमेट होगा यानी कि इसका स्पीड बढ़ जाएगा, सिंपल। कम टाइम के लिए मैंने कर दिया, और देखो फटाक से उड़ गया ना, देखा आपने, यहाँ जैसे जंप मारा फटाक से उड़ गया। तो आपको इस तरह से कुछ करना है। तो ये हो गया जंपिंग वाला, जंपिंग जपैक मतलब वो इफेक्ट हो गया, ठीक है। और ये हो गया जंप करने वाला इफेक्ट, यहाँ से हमारा एक इफेक्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसको हम करते हैं कट,
नेक्स्ट इफेक्ट के लिए जैसे कि ग्रीन स्क्रीन मैंने यहाँ पे किया हुआ बहुत सारा, नेक्स्ट इफेक्ट के लिए आपको क्या करना है, आपको यूज करना है वो एक स्काई का पिक्चर, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। मैं यहाँ पर डायरेक्टली आप लोगों के सामने में करता हूँ कुछ डाउनलोड स्काई का पिक्चर, या फिर मेरे पास होगा ही पहले से। चलो ट्राई करते हैं। मेरे पास यहाँ पे कुछ पिक्चर्स थे आसमान के और साथ ही साथ कुछ बादल के भी, तो सारा चीज़ मैंने यहाँ पे ले आया। तो चलो अब इसको करते हैं एडिट। सबसे पहला चीज़ मैंने एक मैं आपको बताता हूँ, पहले लंबा वाला जो था ऐसा, इसके मैंने मतलब ग्रीन स्क्रीन मेरा उतना जा नहीं पा रहा था, तो मैंने इसका एक पिक्चर क्लिक कर लिया। पिक्चर भी क्लिक कर सकते हो, मैं आपको पहले ग्रीन स्क्रीन वाला शॉट बना के दिखाता हूँ, ठीक है, तब आपको अच्छा लगेगा। पहले वो मेन चीज़ आपको बता दूँ, जैसे कि ये हो गया, मान लो इसको हवा में हमको उड़ाना है, ठीक है, इस शॉट को। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, डुप्लीकेट एज लेयर करेंगे, जहाँ आपका आसमान वाला फोटो है उस पर ले चलेंगे। ये रहा आसमान वाला फोटो, और क्या करेंगे, पहले सबसे पहले हम आसमान को एनिमेट करते, कैसे जूम करते हैं इसको, जूम कर लो और एक साइड में ले चलो ना, और फर्स्ट पोजीशन को, इनिशियल पोजीशन को और फाइनल पोजीशन को इसको एनिमेट कर देना, तो इससे थोड़ा सा आसमान मूव हो जाएगा। देखो मूव होने लगेगा आसमान, देखो मूव होने लगा, और इसको हम थोड़ा सा अब इस पर काम करते, देखो जूम करते इसका ग्रीन स्क्रीन पहले रिमूव करते, क्रोमा की पे जाओ, इसको इनेबल कर दो। रिमूव देख लो ध्यान से, आपको अच्छा से करना है, लाइटिंग पे जितना अच्छा रखोगे आपका उतना अच्छा से ये रिमूव होने वाला है, ठीक है। तो मेन खेल इसमें लाइटिंग का है, ग्रीन स्क्रीन वाला, और इसको हम थोड़ा सा टेढ़ा भी कर सकते हैं, देखो ताकि ऐसा लगे कि ये उड़ रहा है, ठीक है, ये हो गया। और इसके ऊपर हम थोड़ा सा बादल लगा देते ताकि ये रियल फील दे, ठीक है। इसको डुप्लीकेट एज इसको भी लेयर करेंगे, और ये रहा, चलो इसको थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा हम वेलोसिटी डालेंगे, आप कलर इसका मैच कर सकते हो, ह्यू इसका चेंज कर देते थोड़ा सा, ह्यू नहीं टेम्परेचर इसका चेंज करके देखते हैं, हल्का सा मैच करके, तो मतलब आपको वही मैच करना पड़ेगा सारा चीज़। एक चीज़ ध्यान से नोटिस करना कि जैसे इधर जा रहा है तो बादल उल्टा साइड से इसका भागना चाहिए, तो इधर से हम उल्टा एलिमेंट करते इसको, हाँ तो ऐसे एनिमेट हो रहा है। इसको हम तो मैंने जस्ट चेक करने के लिए किया किस साइड में करना है, आपको अच्छे से करना है, आपको पहले इधर देख लेते इधर कैसे हो रहा है। इसको तीन चार डुप्लीकेट मार लो, इसको इधर ऊपर से कर देते हैं, देख लिया आपने। आपको अपने थोड़ा सा इसमें मेहनत करना पड़ेगा, बस थोड़ा सा ध्यान से इसको करोगे, देखो अभी थोड़ा मतलब ऐसा लग रहा है जस्ट कि ठीक है। इसको थोड़ा सा और हम इसमें क्लाउड्स ऐड करेंगे, स्मोक ऐड करेंगे, साउंड इफेक्ट ऐड करेंगे, तो अपने आप मस्त लगने लगेगा, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। मैं यहाँ पे जस्ट एडिटिंग आप लोगों को करके दिखाने वाला हूँ, आप उसको प्रैक्टिस करोगे आपका काफ़ी अच्छा बन जाएगा। सेम चीज़ आपको ये वाला इसमें भी करना है, चलो इसको भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। डुप्लीकेट एज लेयर करेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ काम नहीं करने वाला हूँ, इसमें मतलब मैं आपको सिंपल करके दिखाता हूँ, इसमें वो एनिमेशन वाला भी नहीं करना है, इसका सिर्फ क्रोमा की निकालते हैं। चलो निकालते हैं इसका पहले, और इसमें ऐसे सामने सामने मत करना, इसको उल्टा करना है, जूम वाला इफेक्ट इसमें देना, मतलब पहले रहेगा ऐसे कर दोगे जूम, इसके बाद जूम आउट होते रहेगा, तो इससे ऐसा लगने लगेगा कि ये आगे पीछे बढ़ रहा है, देखो ऐसा लग रहा है। तो भाई आपको थोड़ा सा रखना, और इसको क्रॉप में कर लूँगा क्योंकि यहाँ पे जो पंखा है वो आ रहा है। चलो आपको इस तरह से, और इसमें भी बादल ऐड करना है, मैं यहाँ पे जस्ट आपको दिखा रहा हूँ कि आपको कैसे करना है। इसको हम साइड कर लेते, ठीक है, तो इस तरह से आपको कर लेना। और लैंडिंग वाला इफेक्ट भी सेम एज ये पहले वाला जैसे हमने किया, सेम उसी तरह से आपको लैंडिंग वाला भी करना है। और देखो आप वीडियो देख लो एक बार, ये वाला स्टार्टिंग से यहाँ पे ऐसे हो गया, तो यहाँ से जैसे जंप मारा ये उड़ गया, और सेकेंड शॉट आप बादल वाला देख सकते हो।
इसमें आपको खुद से सारा चीज़ बनाना होगा। प्रोसीजर मैंने सारा चीज़ आपको समझा दिया, इस तरह से आप बना सकते हो। और बनने के बाद आप सिंपली इस पे चले जाना और इसको वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना, वीडियो आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। और कुछ इस तरह से आप लोग एडिटिंग कर पाओगे काफ़ी इजी तरीके से। इजी तो नहीं बोलूँगा, मतलब ठीक है, आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, प्रैक्टिस करने के बाद आप काफ़ी आसानी से कर पाओगे, ठीक है। तो आई होप यू गाइस हैव लाइक दिस वीडियो, फील लाइक देन प्लीज हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सब्सक्राइब करो जल्दी से एंड इसको भी हम आगे काफ़ी जल्द पहुँचाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सब्सक्राइब करो चैनल को एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।